काम तमाम हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया, 8 विकेटों से। भाई कमाल है, दोनों मैचों में मिलाकर भारत को 2 विकेटें मिली हैं, 8 विकेट से ये बड़ी हार। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हैं, हालांकि हम कह सकते हैं कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, नामीबिया को हरा दिया, और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, फिर नेट रन रेट में ये हो जाए, नेट रन रेट में वो हो जाए, तो शायद भारत सेमीफाइनल में जाए। हकीकत यह है जो टीम भारत की खेली है दोनों मैचों में वो शायद डिजर्व करती भी नहीं थी जीतना। शायद दिल जरूर टूटे होंगे लेकिन असलियत जिसे कहते हैं रियलिटी चेक भी हुआ है भारत के लिए, क्योंकि जो मर्जी आप कह लीजिए T20 में भारत पीछे ही था और पाकिस्तान ने पहले आकर दिखाया, आज न्यूजीलैंड ने दिखाया कि आप बड़े मैच का दबाव हैंडल नहीं कर सकते। ये नॉकआउट मैच तो नहीं था लेकिन नॉकआउट की तरह ही था, और एक बार फिर ऐसा मैच जहां पर आपको जीतना है जिंदा रहने के लिए दगा बल्लेबाजों ने दी। टॉस भी भारत नहीं जीता, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दोनों मैचों में टॉस जरूर हारे लेकिन टॉस के कारण मैच नहीं हारे, क्योंकि मैच तो आप पहले आधे हाफ में ही हार जाते हैं, आपसे बैटिंग नहीं हुई, इसीलिए ओस के आने से पहले आप हार मान चुके थे। तो न्यूजीलैंड ने आराम से रन बनाए हैं, न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है।